गुड मॉर्निंग। आज हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट को इजी वे में कैसे डिटरमाइन किया जाए। तो ऑक्सीडेशन स्टेट किसी एलिमेंट की या तो आप उसके कंपाउंड में डिटरमाइन करोगे या फिर कैटायंस में डिटरमाइन करोगे या फिर एनायंस में डिटरमाइन करोगे। तो यहाँ पे कुछ रूल होते हैं वो आपको याद रखना जरूरी है। तो कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम होता है वो हमेशा जीरो आएगा। इसी प्रकार कैटायंस में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम होता है उसके चार्ज के इक्वल होगा। एनायंस की बात करें तो एनायंस में प्रेजेंट जो एटम होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम होगा वो उसके चार्ज के इक्वल आएगा। फिर मेटल्स कभी भी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। हाँ, एक नॉन मेटल जरूर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। तो चलिए पहला एग्जांपल जो है वो कंपाउंड से लेते हैं। तो हमने यहां पे एक कंपाउंड ले लिया HNO3। HNO3 में आपको नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को डिटरमाइन करना है। जनरली जो तीन एलिमेंट से कंसिस्ट कंपाउंड होते हैं उसका जो मिडिल एलिमेंट होगा उसी की ऑक्सीडेशन स्टेट को हम डिटरमाइन करते हैं। तो जो सेंट्रल एटम होगा उसी की ऑक्सीडेशन स्टेट को डिटरमाइन करना होता है। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन को डिटरमाइन करना है तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हम x मान लेते हैं, हाइड्रोजन की जो है वो +1 होगी एंड ऑक्सीजन जो है वो -2 होगा। तो यहाँ पे एक चीज आप याद रखना कि अगर आपने यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दी है तो उसकी हमने x मानी, तो जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दी है उसको आपने x मान लिया, तो फिर इसके बाद जो अगल और बगल के जो एलिमेंट होंगे वो अपने नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट में ही लिखे जाते हैं। तो हाइड्रोजन की नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, ऑक्सीजन -2 में होता है तो -2 लिखा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं, हाइड्रोजन की कितनी होती है +1 तो हमने +1 लिखा, नाइट्रोजन की हमने x मानी थी तो x लिखा, ऑक्सीजन की हमने -2 मानी थी तो -2 लिखा। कितने ऑक्सीजन है 3, तो 3 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और आपने का रूल क्या था, किसी भी कंपाउंड के लिए उनके इंडिविजुअल एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसका जो सम होता है, तो सम करना है तो प्लस साइन लगाना पड़ेगा, वैल्यू कितनी होती है 0 होती तो 0 लिखना पड़ेगा। तो बस आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, ये +1 रहेगा, ये +x, ये -6 हो जाएगा इक्वल टू 0, तो x -5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +5 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आ जाएगी। अगर सपोज आपको सोडियम सल्फेट निकालना है और यहाँ पे आपको सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिटरमाइन करनी है, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट को डिटरमाइन करना है तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हम क्या मानेंगे, x मान लेंगे, बाकी सोडियम एंड ऑक्सीजन अब ये अपनी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट में एडजस्ट करेंगे। तो सोडियम कितना होता है, ये +1 एंड ऑक्सीजन जो होता है वो -2 होता है। तो बस अब ऑक्सीडेशन स्टेट हमें डिटरमाइन करनी है तो कर लेते हैं। तो सोडियम कितना होता है, +1 में होता है, कितने सोडियम है 2 सोडियम, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सल्फर का x माना था, ऑक्सीजन कितना है ये -2, कितने ऑक्सीजन है 4। अब क्या करना है, हमें सम करना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम होता है एक कंपाउंड में कितना होता है 0, तो 0 लिखना पड़ेगा। तो ये +2 बनेगा, ये +x बनेगा, ये -8 हो जाएगा इक्वल टू 0, तो x -6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +6 होगा। तो यहाँ सल्फर जो है वो आपका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इस वाले कंपाउंड में नाइट्रोजन जो है वो +5 में है और सल्फर जो है वो +6 में है। तो यार हमें तो पता है कि नाइट्रोजन तो -3 में होता है और सल्फर जो है वो -2 में होता है, तो यहाँ तो +6 आई और यहाँ नाइट्रोजन +5 में है। तो ये हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि नाइट्रोजन कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है या सल्फर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो कर सकता है। तो देख लेते हैं, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 होता है, कॉन्फिगरेशन होगा 2 एंड ये
5। हमें पता है कि जितने भी एटम होते हैं, एलिमेंट होते हैं, वो चाहते हैं कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो ताकि वो स्टेबल हो जाए। अगर वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर सकते हैं तो वो डायड कंप्लीट करें। तो उनके बैलेंसर में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो स्टेबल होते हैं। तो नाइट्रोजन को 8 इलेक्ट्रॉन करना है तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो नाइट्रोजन पे -3 का चार्ज आएगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन को नहीं मिलते हैं तो ये 5 इलेक्ट्रॉन को अगर ये लूज कर दे, निकाल दे, तो फिर उसका डायड कंप्लीट हो जाएगा। तो नाइट्रोजन को स्टेबल होने के लिए या तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए या फिर 5 इलेक्ट्रॉन को वो लूज करे। अगर उसने 5 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो उस पर +5 का जो है वो चार्ज आएगा। तो नाइट्रोजन -3 से +5 के बीच ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकता है। तो वो -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 और ये +5 कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो कर सकता है। और एग्जांपल देख लेते हैं, HNO2 हाइड्रोजन +1 में है, नाइट्रोजन की x मानी, ऑक्सीजन -2 होता है (2), और इसका जो सम होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का एक कंपाउंड में, सम कर देंगे क्या होता है 0। तो ये x -3 = 0, तो x = कितना आएगा +3। एक कंपाउंड होता है अमोनिया, अमोनिया में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताने है, तो नाइट्रोजन की x मानोगे, हाइड्रोजन जो है वो +1 में होगा, तो बस x +1 × 3 ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम होता है, तो सम करोगे तो प्लस का साइन लगाओगे, क्या होता है वो 0 होता है। तो x ये +3 = 0, तो x = क्या होगा -3। तो यहां नाइट्रोजन जो है वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो आपको रेंज समझ में आ गई कि नाइट्रोजन जो है वो -3 से +5 के बीच कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो कर सकता है। इसी प्रकार सल्फर का देख लेते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, कॉन्फिगरेशन होगा 2, 8 एंड ये 6। तो सल्फर को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो या तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है, या फिर 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके पास दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन ले ले या फिर 6 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। तो सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये -2 शो करेगा, और 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये क्या करेगा, ये +6 शो करेगा। तो सल्फर -2 से +6 के बीच कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। तो -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0, +1, +2, +3, +4, +5 एंड ये +6। तो इस रेंज में सल्फर कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो कर सकता है। हम एग्जांपल देख लेते हैं। SO2 सल्फर की निकालनी है, तो सल्फर को x मानोगे, ऑक्सीजन -2 × 2, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एक कंपाउंड में सम करोगे क्या होता है 0। x -4 = 0, तो x = कितना हो गया +4। H2S में सल्फर की निकालनी है, तो सल्फर की तो x मानोगे, हाइड्रोजन कितना होता है +1 में होता है (2), और सम करोगे ऑक्सीडेशन स्टेट का एक कंपाउंड में तो क्या होगा 0। तो +2 + x = 0, तो x = कितना हो जाएगा -2। तो सल्फर यहां -2 में है। और अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें S8 मॉलिक्यूल, तो यहां पे सल्फर जो है उसकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो किसी भी मॉलिक्यूल में उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 होगी। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल 0, S8 मॉलिक्यूल सल्फर की 0, फॉस्फोरस मॉलिक्यूल P4 फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट 0। इसी प्रकार क्लोरीन का देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर होता है 17, कॉन्फिगरेशन 2, 8 और 7। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लें तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दें
तो एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बैलेंस शेल में। तो अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो माइनस वन चार्ज आएगा, अगर सेवन लूज कर दिए तो प्लस सेवन का चार्ज आएगा। तो क्लोरीन जो है माइनस वन से प्लस सेवन के बीच कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। तो माइनस वन के बाद जीरो, प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, प्लस फोर, प्लस फाइव, प्लस सिक्स एंड ये प्लस सेवन। इस रेंज में क्लोरीन जो है कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल KClO3 पोटेशियम क्लोरीन, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दी है। हमको पता है पोटेशियम जो है वो प्लस वन में होता है, क्लोरीन की एक्स मानो, ऑक्सीजन माइनस टू होता है, कितने ऑक्सीजन है थ्री, और सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट तो तीनों का सम करोगे आप तो क्या आएगा जीरो, एक कंपाउंड के लिए जीरो होता है सम। तो एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ये प्लस फाइव हो जाएगा। फिर एक कंपाउंड होता है KClO4, यहां पे क्लोरीन की निकालोगे तो पोटेशियम प्लस वन, क्लोरीन एक्स, ऑक्सीजन माइनस टू इंटू फोर, और सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होगा एक कंपाउंड के लिए जीरो, तो सम करोगे तो क्या हो जाएगा ये जीरो। तो एक्स माइनस सेवन इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ये प्लस सेवन। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं NaCl में क्लोरीन की, तो क्लोरीन की एक्स मानोगे सोडियम क्या होगा प्लस वन में, और इसका जो सम होगा ऑक्सीडेशन स्टेट का सम करोगे तो क्या आएगा ये जीरो, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ये माइनस वन। तो क्लोरीन यहाँ पे माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और Cl2 मॉलिक्यूल जो होगा यहाँ पे क्लोरीन जो होगा वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। तो हमें कैटायन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है अब डिटरमाइन करना है। तो एक कैटायन हम ले लेते हैं अमोनियम आयन, और दूसरा ले लेते हैं फॉस्फोनियम आयन। तो यहां पे हम करेंगे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को डिटरमाइन, और यहां पे फॉस्फोरस की। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपने एक्स मान ली, तो अब हाइड्रोजन जो होगा अपनी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब प्लस वन में एग्जिस्ट करेगा। फॉस्फोरस की आप एक्स मानोगे तो हाइड्रोजन जो है वो प्लस वन में एग्जिस्ट करेगा। तो नाइट्रोजन की एक्स, हाइड्रोजन प्लस वन में है, कितने हाइड्रोजन है फोर, तो फोर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा एक कैटायन के लिए उसका चार्ज होता है, तो चार्ज कितना है प्लस वन, तो सम में प्लस वन आएगा। एक्स प्लस फोर इक्वल टू प्लस वन, तो एक्स इक्वल टू जो होगा वो माइनस थ्री हो जाएगा। तो नाइट्रोजन यहां माइनस थ्री में है। फॉस्फोरस की हमने एक्स मानी थी, हाइड्रोजन प्लस वन में है, कितने हाइड्रोजन है फोर, और सम करोगे तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा एक कैटायन के लिए क्या होता है उसके चार्ज के इक्वल होता है, तो चार्ज प्लस वन में है, तो प्लस वन लिखा। एक्स प्लस फोर इक्वल टू प्लस वन, तो एक्स इक्वल टू ये माइनस थ्री हो जाएगा। तो फॉस्फोरस यहां पे माइनस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो फॉस्फोरस जो है वो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, तो ये 2, 8 एंड ये 5। अगर ये तीन इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो फॉस्फोरस जो है वो माइनस थ्री में रहेगा, और अगर ये पांच इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो ये प्लस फाइव में आएगा। तो ये माइनस थ्री से प्लस फाइव के बीच कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकता है। तो ये माइनस टू हो सकता है, माइनस वन, जीरो, प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री एंड ये प्लस फोर। तो कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है फॉस्फोरस। अब इसके बाद एनायंस के लिए जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट को डिटरमाइन करेंगे। तो एक एनायंस हम कार्बोनेट आयन ले लेते हैं, और एक जो है यहाँ पे हम परमैंगनेट आयन ले लेते हैं। कार्बोनेट आयन में हम कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट को डिटरमाइन करेंगे, और यहाँ पे हम मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट को डिटरमाइन करेंगे। कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपने एक्स मानी, ऑक्सीजन जो है वो माइनस टू में एग्जिस्ट करेगा। फिर मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो एक्स मान लिया आपने, तो ऑक्सीजन जो है वो फिर अपनी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू में एग्जिस्ट करेगा। तो कार्बन की एक्स, ऑक्सीजन माइनस टू इंटू कितने ऑक्सीजन है थ्री, तो थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
और सम करोगे ऑक्सीडेशन स्टेट का, तो इसका जो सम होगा इसके चार्ज की इक्वल होगा, तो माइनस टू, तो एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू माइनस टू, तो एक्स इक्वल टू जो है वो प्लस फोर आया। MnO4 माइनस वन, तो मैंगनीज की एक्स मानोगे, ऑक्सीजन माइनस टू इंटू कितने हैं फोर, तो फोर से मल्टीप्लाई, और सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होगा इसके चार्ज की इक्वल होगा, तो ये माइनस वन चार्ज रखना पड़ेगा। तो एक्स माइनस एट इक्वल टू माइनस वन, तो एक्स इक्वल टू जो हो जाएगा वो प्लस सेवन हो जाएगा। तो कार्बन जो है कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में एडजस्ट कर सकता है, तो कार्बन का एटमिक नंबर होता है सिक्स, टू एंड ये फोर। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चार इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर ये चार इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो ये डायट कंप्लीट कर लेगा अपना, तो चार इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो ये माइनस फोर रहेगा, और चार इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये प्लस फोर रहेगा, तो माइनस फोर से प्लस फोर के बीच कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, तो माइनस थ्री हो सकती है, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री एंड ये प्लस फोर। तो कार्बन इतने के बीच में कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसको लाइक करें, उसको शेयर करें, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।